My lifestyle itself is locked down, so there's not much of an issue. हाँ तुम्हें तो वैसे ही तुम्हें फर्क भी नहीं पता चला होगा ना कि लॉकडाउन में क्या है। मुझे जब वो पूरा वर्ल्ड बैंक जो क्रैश हो गया था तब भी नहीं पता चला था, लोग आसपास परेशान थे, पैसे नहीं, और मैं सोच रहा था इस परेशानी की क्या बात है, ऐसे होता ही कब है। अचानक मुझे पता चला कि मैंने ये अपना ईयरफोन तो लगाया लेकिन सुन तो मैं फोन से ही रहा हूँ। तो मुझे अभी भी ये नहीं समझ में आया कि ईयरफोन के लिए क्या होता है। अच्छा अदर एक ऊपर है ईयरफोन का, ठीक है अब ठीक है। हम यही डिस्कस कर रहे थे अभी, तुम्हें पक्का तुम म्यूट के बटन पे फंसे हो गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा साले कौन सा बटन दबाऊ। अचानक ख्याल है कि कान में तो आ नहीं रहा कुछ, इधर से ही आ रहा। कुछ फिक्स कर रहे हैं, मैं वही देखने की कोशिश करती हूं। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कम से कम ये इंटरव्यू खत्म होने से पहले समझ में आ गई बात। आई विल जस्ट डू अ इंट्रो एंड देन वी विल स्टार्ट। कोई ऐसा सवाल मत पूछ लेना जिसका जवाब ना हो मेरे पास, मैंने सिर्फ लिखा था और उसके बाद मैंने शूटिंग का एक दिन अटेंड नहीं किया। उनको उनके एक असिस्टेंट ने बताया जो कि मेरे साथ अस्तित्व में काम कर चुका था और मैं लिखता था अस्तित्व में। अबे तुम भी तो थे उसमें। तो हाँ भी लिखते रहे। तुम्हें पता है वो हर्ष शिवम के साथ उसका दोस्त का क्या नाम है? देखो शिवम का नाम शिवम, वो भी मुझे अभी पता चला। बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। I have with me two legendary actors of the Indian television industry. I have with me Harsh Chhaya and Varun Batola. Welcome both of you. It's a pleasure having the two of you. Thank you so much for joining in. How are you guys doing? Well, as so far so good. Jitna lockdown mein jitna behtar ho sakta hai jeevan utna behtar chal raha hai. I mean, let's say so far so good. Yeah. And what about you, Varun sir? मतलब this has been a great learning experience, a great learning curve. But बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में बैठ के सोचने का मौका मिला. So अभी तक तो अच्छा ही है, frankly. मुझे I do not have any complaints. You don't have any complaints. Great, nice. All right. I figure my lifestyle itself is locked down, so there's not much of an issue. हाँ तुम्हें तो वैसे ही तुम्हें फर्क भी नहीं पता चला होगा ना कि लॉकडाउन में क्या है। मुझे जब वो पूरा वर्ल्ड बैंक जो क्रैश हो गया था तब भी नहीं पता चला था, लोग आसपास परेशान थे, पैसे नहीं, और मैं सोच रहा था इस परेशानी की क्या बात है, ऐसे होता ही कब है। Okay, I think this is going to make for a very fun conversation. All right, so we're here to talk about Andekhi, which is going to start streaming on Sony Live from the 10th of July. And you both are a part of it. Harsh sir, we'll start with you. अनदेखी के जितने भी अभी तक टीजर्स आउट हुए हैं, जो भी फर्स्ट लुक आउट हुआ है, उससे लोगों को ज्यादा कुछ पता नहीं चल पा रहा है. It seems like a lot has been kept away from the viewers, you know. I want you to tell me what is अनदेखी all about. आप ये मान लीजिए कि जितना आपको ट्रेलर में दिखा है फिलहाल मैं भी उतना ही जानता हूँ। अच्छा। सिवाय इसके एक बहुत ही बढ़िया किरदार मुझे जो है इस बार मिला है जो मैंने पहले कभी किया नहीं है, इतना पागल आदमी मैंने कभी किया नहीं है। ठीक है वो बात अलग है कि पागल हम हैं, लोग मानते हैं कि थोड़ा किसका हुआ है, लेकिन इतना भी किसका हुआ नहीं है जितना कि ये किरदार। मतलब हर्ष को मेहनत करनी पड़ गई इस कैरेक्टर के लिए। बताओ इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, इतना पागल आदमी है, इसमें तो कुछ काम करना पड़ेगा। सो इतना मैं बता सकता हूँ कि इट इज वाइल्ड, आउट ऑफ कंट्रोल कैरेक्टर कंप्लीटली, एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। अच्छा है इन लोगों ने कुछ नया निकाला है जो मेरे हाथ लगा, और इट्स बीन अ गुड एक्सपीरियंस। आई एंजॉयड डूइंग इट एंड आई होप द ऑडियंस विल लाइक इट एज मच एज आई एंजॉय डूइंग इट। इससे ज्यादा जो है कहानी के बारे में तो यही कहूंगा कि जानने के लिए देखिए 10 जुलाई। सर यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद अनदेखी, पर आप ने इस शो के लिए डायलॉग्स लिखे हैं, सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट्स योर एक्सपीरियंस अबाउट यू नो ऑन वर्किंग ऑन अनदेखी, व्हाट्स दैट लाइक। तो देखो बहुत एक छोटी सी कहानी है कि 10 साल पहले एक शो बन रहा था जिसका नाम था एक चाबी है पड़ोस में। हाँ। राइटर कोई और थे
पहले दिन लेकिन मैं सेट पे पहुंचा तो जो डायरेक्टर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ सिंह गुप्ता जो कि इस शो के क्रिएटर हैं, उनको कुछ एक सीन्स में बदलाव चाहिए था तो मतलब कौन करेगा, तो उनको उनके एक असिस्टेंट ने बताया जो कि मेरे साथ अस्तित्व में काम कर चुका था और मैं लिखता था अस्तित्व में, अबे तुम भी तो थे उसमें तो तो गोल्डी को ही बताया गया, उसने बोला कि यार जरा कुछ एक सीन्स चेंज कर दो। वो सिलसिला शुरू हुआ तो 20 एपिसोड तक चलता रहा, थोड़ा बहुत इधर उधर कर करा के कभी कभी तो पूरे एपिसोड लिख दिए तो, लेकिन शायद ये बात दिमाग में कहीं अटक के रह गई थी गोल्डी के। सो 2017 नवंबर में उन्होंने जो है कहा कि यार एक शो लिख दो, तो उसके 10 साल हो चुके थे मुझे कलम उठाए हुए, लेकिन मैंने लिखे डायलॉग सब, वो कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हर एपिसोड जो लिखा वो सीधा अप्रूव हुआ और हम लोग अगले एपिसोड पे बढ़ गए। तो गोल्डी को जो है शायद थोड़ी गलत फहमियां हो गई मेरी राइटिंग स्किल्स को लेकर उसने कुछ महीनों के बाद बोला यार फिर ये एक और शो है ये भी लिख दो। Where do you see the digital platform in all this? क्योंकि digital, अब आप लोग digital से भी जुड़ गए हैं, तो how do you see that also panning out? It has come out pretty well. मैंने बहुत ऐसे लोग हैं जो टेलीविजन में काफी काम अंदर नहीं कर रहे हैं पिछले 10 साल से, दो तो यहाँ बैठे हुए हैं आपके सामने, क्योंकि स्पेशली फॉर लास्ट डेकेड जब से वो किचन पॉलिटिक्स वाला सब मामला डेली शो में शुरू हुआ है, so web gives us a different space altogether. We are back to different stories, different characters which we can do. नहीं तो हमारे पास एक आता है वो पिछले 10 साल से जो है हम लोग किलो के भाव मना करते हैं, महीने में 2-3 आते हैं प्रोजेक्ट, सर एक लड़की है उसका बाप है, अच्छा सर एक लड़का है उसका बाप है, फिर वो बाप पीछे खड़ा खड़ा सिर्फ सब ठीक हो जाएगा करता रहता है बहुत से बहुत, या सुबह चाय के सीन में बैठा है बेटा आजकल बड़े देर से उठते हो तो web has been a good change and we are back to those times like what tha jab sirf 13 episode ka serial aata tha ya 26 ka aata tha, ab 8-10 mein khatam ho jata hai, you can move on to new stories, you can do something else, matlab ye jo kirdar main yahan kar raha hu ye pata nahi main to tv mein aisa jo hai 10 saal mein ek aata hai jabki main yahan 3 alag alag web series maine ki hain and I've been able to play 3 different characters, so it's been a good change. Even for a lot of audience, there are a lot of people out there who do not want to see whatever comes on TV. So, हम सबके लिए अच्छा है. बाकी वरुण बताएंगे. Sir, देखिए सबसे पहली बात जो web show में अब तो खैर मजा आ रहा है, जो कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भैया आपको मालूम है आप कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है. Like in the beginning, Varun sir had mentioned that you guys also worked together in Astitva. I have very less memories of it because I was too young, but I remember my parents used to watch that show. I want to know from the both of you, what is your fondest memory of shooting, you know, when you think of your you guys shooting together in Astitva, what is the fondest memory that, you know, comes to your head, the first thing that comes to your head? It was one of the good sets to work on, and for me to thoda ek issue mere sath to hamesha se rehta, so I was not really you know, I've had the liberty of being the brat on the sets. So I enjoyed that because I was allowed that kind of thing. मुझे अगर कोई issue है तो मैं बात कर लेता हूँ, मुझे अगर कोई scene discuss करना है मैं कर लेता हूँ, मैं अचानक scene shoot होने वाला है, daily soap है, time का problem है, और ये एक actor जो है एक मिनट सर, लेकिन मुझे और बाकी सब actor कुर्सी पकड़ लेते थे कि अब ये चलेगा, इसका आधा घंटा जो है ये मानेगा नहीं, इसको जब तक समझाएंगे नहीं तब तक ये आगे नहीं चलेगा। So for me, I enjoyed being a part of it, and I may not have been so easy an actor for Ajay Sinha and Sangeeta ji, but it's like I was allowed that. I was allowed to be the brat, you know, on the set, and I enjoyed that. And they had trust, complete trust on us. मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि वो नया एक डायरेक्ट, क्योंकि फ्लोर पर डायरेक्टर चेंज होते रहते हैं जब आप डेली सोप करते हैं तो एक ही आदमी नहीं आता, सो द जैसे अजय सिन्हा इज़ अ सीरीज डायरेक्टर एंड देन एवरी 15 डेज इज़ समवन एल्स न्यू ऑन द सेट टू डायरेक्ट, तो जब भी कोई नया डायरेक्टर आएगा तो कहा जाता था कि देखो वो आने वाला है, नया डायरेक्टर भेज रहे हैं, तुम जरा उसका ध्यान, सो यू नो दे शुड ट्रस्ट अस लाइक दैट, कि दे कैन ट्रस्ट न्यू डायरेक्टर विद us in the set. Yeah, see, he entrusted me with the performances of all the new actors who came on the set.
मतलब आई नॉट नेम देम, लेकिन अच्छा यार ये नहीं आ रही है सुन, जरा इसके ना ध्यान रखना, उसके डिक्शन में प्रॉब्लम है, ये वो फला दिमाग का लाइन से कि एक्टिंग क्लासेस भी खुली हुई है, एंड ही वुड एक्चुअली टेल यू कि बस ये अभी मैं सेट पे नहीं हूँ तो ये काम तुझे करना है, एंड वी डिड इट फॉर 3 years. Yeah, and we allowed that. Man, if you have issues with the scene, we can work on it. We can work on our lines. We can sort of change it. So we had liberties. The essentially thing is that he used to trust us, which is the important part. And that's why we had fun. Before going, I have one request to Varun sir. So I think you know what I want to say. If you can please just sing something. You sing really well, and I've been stalking you on Instagram, and you know about that. Can you please sing? एंड बिफोर आई फुलफिल योर रिक्वेस्ट, एक बात जो है मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि शो तो चलो सिद्धार्थ सेन गुप्ता का तो हमने नाम लिया है जिसने कि ये क्रिएट किया है, और एक छोटा सा नेपोटिज्म का केस हमारे इस शो में है, वो ये है कि म्यूजिक जो है वो सिद्धार्थ सेन गुप्ता के लड़के ने दिया है जिसका नाम शिवम है. Okay. और साथ में उसका दोस्त जिसका मैं हर बार नाम भूल जाता हूँ, प्लीज अगर सोनी टीवी से सोनी लिव से कहीं से भी नाम पता चले तो कहीं से मेंशन कर दीजिएगा. तुम्हें पता है हर्ष, शिवम के साथ उसका दोस्त का क्या नाम है? देखो शिवम का नाम शिवम, वो भी मुझे अभी पता चला. तो उन्होंने जो है दोनों ने बहुत बेहतरीन काम किया है. अपहरण का भी उन्होंने म्यूजिक दिया था, एंड बेसिकली जितने सैंपल्स हमारे पास आए थे उस समय में और इस शो के भी, दे टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट, एंड दोनों 24-25 साल के लड़के बहुत बेहतरीन काम किए हैं उन्होंने. सो वॉच आउट फॉर द म्यूजिक, जो बैकग्राउंड है इस शो में बहुत बेहतरीन है, एंड बाकी गाना गाते ये भी बहुत अच्छा है वैसे बता दूं. ना ना यही गाएंगे. तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब. तुम साजना वेरी बेस्ट फॉरन देखी विच इज गोइंग टू बी स्ट्रीमिंग ऑन सोनी लिव फ्रॉम द 10th ऑफ जुलाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बाय.